हाय, मैं हूँ, दिस इज रिया, बैक टू बैक माय चैनल। आज मैं रमजानों में आपके लिए स्पेशल चिकन वेजिटेबल कबाब लेके आऊँ, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। बट आप इंजॉय करना, माशाल्लाह बहुत अच्छे बनते हैं और लोगों को इतने ही अच्छे लगते हैं। चलो मैं आपको बताती हूँ। ये है वेज चिकन कबाब की रेसिपी। इसमें मैंने आलू लिए हैं, ये शिमला मिर्च ली है, ये मैंने कैरेट ली है, ये मैंने तीखी वाली हरी मिर्च ली है, ये मैंने पत्ता गोभी ली है, और इधर मैंने थोड़ी सी चिकन ली है। ये मेरा जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है, उसमें गरम मसाला है, होममेड ये नींबू है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी मैं इसके अंदर रस निकाल लूँगी, और ये है, ये भी गर्म मसाला है चिकन का। तो चलो मैं बताती हूँ। ये कुकर में मैंने चिकन डाल दी है, अब मैं इसमें पोटैटो डाल रही हूँ। अब इसमें मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ। अपने हिसाब से चिकन की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, अपने हिसाब से गरम मसाले, नींबू, ये जो जितनी भी सब्जी वेजिटेबल, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। गाइस, अब इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ, फिर इसमें मैं वाटर ऐड करूंगी, थोड़ा सा ही डालूंगी मैं। गाइस, अभी इन वेजिटेबल को मैं चॉपिंग कर रही हूँ, तो चलो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। गाइस, मैं प्याज भूल गई थी, थोड़ी मिसिंग था, तो अभी मैं देख कर आई प्याज को, मुझे प्याज को तब तक आप भी लेके आ जाना प्याज। मेरी तरह ऐसा ना हो कि आप लोग भी भूल जाओ, सबसे होता है मेरे से ही। पत्ते डाल दूं, क्रश कर दूं, अंदर से इसमें मैं सब्जियां ऐड कर रही हूँ। इनको मैं हल्का सा रोस्ट कर लूंगी, इनको हल्का सा ब्राउन कलर का कर लूंगी। टेबल स्पून नमक डाल दूंगी, ऐड कर लूँ चाट मसाला जो मैं इसमें स्टोर करके मैंने रख दिया था, कि ये रहे ना देखिए, और ये होममेड गरम मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ, इसके अंदर डाल दूंगी। और ये अब देख सकते हो, ये है चिकन मसाला, ये भी मैं इसके अंदर ही डाल रही हूँ। चिकन मसाला कोई भी ले सकते हो घर में, जो भी आपके पास मौजूद हो। बस अब इन सब मसालों को मैं मिक्स कर लूंगी अच्छे से, इनको कुक कर रही हूँ मैं अच्छे से। मेरी सब्जी अच्छी से पकती थी, मैं ज़्यादा नहीं इसको कुक कर रही हूँ, मैं इसको बंद कर रही हूँ। गैस को बंद कर दिया है। अब सब्जियों को ना आप नॉर्मल ही कुक करना है, ऐसे नहीं कि ज़्यादा कुक कर लो उसको, ऐसे मेल्ट हो जाए सब्जी, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा कुक करना है, ठीक है। अब देखो, आप देख सकते हो मेरी सब्जी, जैसे आप चाउमीन में डालते हो मेरी सब्जी अपनी चाउमीन में, तो कभी घर पे बच्चों के लिए बनाएंगे, वैसे ही इन सब्जियों को कुक करना। तो गैस, मेरी चिकन कुक हो चुकी है पूरी तरह, ये देखिए उसका पानी एकदम ड्राई हो गया। अभी ये चिकन बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको ठंडा होने देते हैं, इसके बाद में इस चिकन के रेशा रेशा करेंगे। ओके गाइस, मैं इन आलू को मैश कर लूँगी, ये देख सकते हैं आप मेरे आलू मैश कर चुके, इनके मैं रेशा रेशा कर लूँगी, ऐसे चिकन के मैं रेशा रेशा कर रही हूँ। गाइस जी, ये देखिए, ये चिकन है, इनके मैंने रेशा रेशा कर लिया। आलू को मैंने अलग प्लेट में निकाल दिया था, उनको अलग मैंने मैश कर लिया था।
ये देखिए मेरे रेशे रेशे हो चुके हैं गाइस। जो मसाला आपने तैयार किया था ना उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ आलू। ये मैंने आलू वेजिटेबल में ऐड कर दिया है चिकन के लिए जो मैंने मसाला तैयार किया था। ये चिकन भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इनको मैं मिक्स कर लूंगी। ये मिक्स कर रही हूँ मैं अच्छी तरह। अभी मैं इसके अंदर ब्रेड क्रम्स और यूज करूंगी ताकि इसका पानी ना जो सॉफ्ट हो उसे निकाल। ताकि आसानी से मेरे कबाब बन जाए। ब्रेड क्रम्स भी ऐड करूंगी ताकि मेरे कबाब इजीली बन जाए, ताकि मेरे को इनमें कोई दिक्कत ना आए। फिर अपन इसको डीप फ्राई कर लेंगे। अब आप देख सकते हो मैंने इस ब्रेड का चूरा कर दिया। इसका मैं बना रही हूँ ब्रेड क्रम्स। ये बन गया मेरा ब्रेड क्रम्स। अब मैं इसमें ऐड कर रही गाइस, मैं इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर रही हूँ। गाइस अब मैं इसे प्रॉपर ढंग से मिक्स कर लूँगी ताकि ये ड्राई हो जाए। आप बना रही हूँ गाइस, अब मैं इनके कबाब बना रही हूँ गोल गोल। जो आपको शेप जैसे भी पसंद है वैसे आप बना देना। मैं तो बट गोल ही बना रही हूँ, मेरे को गोल ज़्यादा पसंद है। इसमें से खुशबू इतनी अच्छी आ रही है क्या बताऊँ। अभी से मेरे मुंह में पानी आने लग गया है इनको देखकर। गाइस आधे में कबाब में चीज़ डाल दूँ। मेरी सिस्टर को चीज़ बहुत पसंद है, उसने कबाब भी बनाए थे मेरे साथ में। उसके कबाब बनाए मैं दिखाऊंगी, देखो कैसा कबाब बनाया उसने, अपने जैसे ही बनाया। मेरे कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। अभी मैं इनको एक घंटे के लिए फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। चलो चलते हैं। मैंने इनको फ्रिज में रख दिया एक घंटे के लिए। इनको मैं फ्रीजर में से निकाल रही हूँ इन कबाब को। चलो चलते किचन में। ये कबाब के लिए ऑयल गरम हो रहा है, इधर मैं अंडे फेंटती हूँ। ये अब मैं अंडा फेंट रही हूँ। ये देखिए गाइस मैं अंडे में डिप कर रही हूँ, फिर मैं इसको ब्रेड के अंदर डिप कर रही हूँ। ये देखिए ये मेरा ब्रेड गरम है, मैं इसे तेल के अंदर डाल दूंगी इसको। ये देखिए गाइस ये देखिए गाइस ये मेरा गया है। आप इसे तवे पे भी कर सकते हो, उनको मेरे कबाब बन चुके हैं। अब मैं इनको निकाल रही हूँ ऑयल में से, जो जो हो चुके हैं मेरे। ये मैं साइन के अंदर इनको कॉटेक्ट कर रही हूँ। पहले मैंने आपको बताया था वो ब्रेड क्रम्स में कहती थी आधे में ऐसे बना रही हूँ। देख सकते हैं अंडा लगा हुआ है, इनको डाल दीजिए। आप देख सकते हो मेरे कबाब बन के रेडी हो गए। ये मैंने सर्व के लिए रख दिए। ये देख सकते हो ये प्याज के साथ भी आप खा सकते हैं इनको। ये ग्रीन चटनी है, ये प्याज है, ये नींबू है। ये देखिए ये सवैये वाली, ये ब्रेड क्रम्स वाली।